आज घर लौटने में कितनी देर हो गई है, बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे, इनके बापू भी घर पर नहीं है। जल्दी जल्दी मैगी के पैकेट खरीद कर घर चली जाती हूँ। सुबह बच्चों को बोल कर आई थी कि आज मैं उनको मैगी बनाकर खिलाऊंगी। अच्छा हुआ आज महीने की पगार मिल गई, थोड़ा राशन भी खरीद लूंगी, थोड़ी सब्जियां और साथ में मैगी के पैकेट, बच्चे बहुत खुश होंगे। ए भैया, ओ भैया छोड़ मेरा बटुआ, अरे पकड़ो कोई पकड़ो, अरे मेरी मेहनत की कमाई वो चोर ले जा रहा है, कोई मदद करो, कोई मदद करो, मेरे पैसे, मेरे पैसे। कोई फायदा नहीं बहन, वो चोर मोटरसाइकिल पर था, भाग गया, कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता। दिन दहाड़े हो या शाम का समय, ये चोर कहीं भी आंखें टिकाए रहते हैं, जहां औरत को अकेले सड़क पर देखा नहीं कि लूट लेते हैं। आज तुम्हारी किस्मत खराब थी, कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अकेली जा रही थी, मेरे हाथ में जरूरत के पैसे थे, ऐसे ही छीन कर ले गए थे, मेरी तो मेहनत की पूरी कमाई चली गई। हे भगवान मैं क्या करूं, इन्हीं पैसों का तो पूरे महीने इंतजार रहता है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो बच्चों को कुछ खाने का दे सकूं। क्या सोचा था और क्या हो गया, सुबह ही तो मैं बच्चों से वादा करके आई थी। माँ आप शाम को आते हुए मैगी लेकर आओगे ना, मुझे मैगी खानी है, मेरा मैगी खाने का बहुत मन है। हाँ माँ मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन है, आप शाम को जरूर लेकर आना, आप कितने दिनों से कह रही हो पर लाती ही नहीं हो। आज मैं जरूर लेकर आऊंगी, आज काम पर से पैसे मिलने हैं ना। सच्ची माँ, फिर तो मैं 5 पैकेट मैगी खाऊंगी। 5 पैकेट एक तो तेरे से खाया नहीं जाएगा, 5 खाऊंगी मैं तो तुझे, एक ही पैकेट दूंगा, सारे मैं खाऊंगा। माँ आप जब लाओगे ना तो मुझे देना, नहीं तो ये सारी मैगी अकेला खा जाएगा। अरे अरे लड़ो नहीं, मैं तुम दोनों को बराबर दूंगी, चलो अब मैं काम पर जाती हूँ। सुबह की बात सोचते हुए अनीता फूट फूट कर रोने लगी। अनीता एक गरीब औरत थी जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहती थी। अनीता का पति मदन मजदूरी करता था और अनीता गांव के सेठों के घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गांव में मजदूरी का काम मिल नहीं रहा था, इसलिए मदन पास के गांव में मजदूरी के लिए गया हुआ था और कुछ दिन से लौटा नहीं था। एक तरफ अनीता को उसकी भी चिंता थी तो दूसरी तरफ आज उसके पैसे चोरी हो गए, उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। अनीता रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वहीं पर एक साधु महाराज विश्राम के लिए बैठे हुए थे, उन्होंने अनीता को रोते हुए देखा तो उसका कारण पूछा। अनीता ने रोते हुए सारी दुख भरी बात साधु बाबा से कही। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ, इन्हें अपने घर के आंगन में बो देना, ये जादुई बीज हैं। इन्हें बोते समय तुम बस उस चीज की इच्छा करना जो तुम्हें चाहिए, ये बीज अपने आप उसी चीज को उगा देंगे जो तुम्हारे मन में होगा और उसी चीज की खेती हो जाएगी। बाबा मुझे तो बस बच्चों के लिए मैगी ले जाने की इच्छा थी, क्या ये बीज जादू से मैगी की खेती कर पाएंगे? हाँ बेटी जरूर, तुम इन्हें बोते समय बस यही इच्छा रखना, तुम्हारे आंगन में जादुई मैगी की खेती हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु बाबा। अनीता खुशी खुशी घर आ जाती है और अपने घर के आंगन में वो बीज बो देती है जो उसे साधु बाबा ने दिए थे। माँ अब हम खूब सारी मैगी खाएंगे जब यहाँ पर मैगी की खेती होगी। हाँ बच्चों अब हम खूब सारी मैगी खाएंगे, बस हमें कल सुबह का इंतजार है। अगले दिन सुनीता के दोनों बच्चे जल्दी जल्दी उठ गए क्योंकि उन्हें तो मैगी का इंतजार था। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी से उछल पड़े जब उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में खूब सारी मैगी की पैदावार हो गई है, पेड़ों पर मैगी की फसल लहरा रही थी। बच्चे खुशी से अनीता को आवाज लगाते हैं। माँ माँ देखो हमारे आंगन में मैगी उगाई है, बहुत सारी मैगी। हाँ ये तो सचमुच जादू है, ये तो बहुत सारी मैगी है। अनीता के आंगन में मैगी के पेड़ देखकर आसपास के बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। अनीता उन सभी बच्चों को मैगी बांट देती है। ये लो बच्चों, तुम भी लो, तुम भी अपने घर जाकर मैगी खाना, मेरे पास बहुत सारी मैगी है। अनीता जब गांव के बच्चों को मैगी बांटती है तो ये बात गांव के कुछ दुकानदारों को खटकने लगती है क्योंकि वो तो अपनी दुकान पर मैगी बेचते थे, पर जब बच्चों को मुफ्त में मैगी मिलने लगी तो बच्चों ने उन दुकानदारों से मैगी खरीदनी बंद कर दी। ये बात गांव के दुकानदारों को पसंद नहीं आई और उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। सरजू भाई हमें कुछ करना होगा, ये अनीता और उसका पति तो मैगी का बड़ा व्यापार खोलेंगे, फिर हमारी कमाई नहीं होगी, बच्चे तो हमारी दुकान से ही मैगी खरीद कर खाते हैं, अब बच्चों की पसंद की चीज मैगी अगर ये मुफ्त में बांटने लगे तो हमारी कमाई कैसे होगी भैया,
कुछ सोचो, जल्दी सोचो। मेरे पास एक उपाय है, हम सब मिलकर जो है इसकी सारी फसल को बर्बाद कर देंगे, जला देंगे बस, उसके बाद इसके आंगन में कोई मैगी नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, आज रात ही इस काम को अंजाम दे देते हैं। सभी दुकानदार मिलकर अनीता के घर और मैगी की खेती को आग लगाने के बारे में योजना बनाते हैं। उसी रात मदन भी वापस आ गया था। उसे जब ये बात पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। अनीता, मैं सोच रहा था कि हम मैगी का व्यापार शुरू करें, हम गरीब बच्चों को तो बांटेंगे ही, साथ ही इस मैगी को शहर में बेचकर हम कमाई भी कर सकते हैं, ताकि हम गांव में उन पैसों से अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और गरीबों के रहने के लिए घर बनवा सकें, ताकि इस गांव की गरीबी दूर हो जाए। हाँ, ये तुम बहुत सही कह रहे हो, हम गांव में स्कूल भी बनवाएंगे, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ गांव के सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ लिख कर खूब बड़े आदमी बने, खूब अच्छी नौकरी लगे। हमें बहुत कुछ करना है जी। मदन और अनीता आने वाली भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। जब आधी रात को सब गहरी नींद में थे, तब सभी दुकानदार आग लगाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, पर वो चौंक जाते हैं। वहाँ पर तो कोई मैगी की खेती ही नहीं थी, केवल जमीन ही थी, वो भी खाली जमीन। मैगी के पेड़ गायब थे। यहाँ तो कोई मैगी नहीं उग रही, हम आग किसे लगाएंगे, खाली जमीन को? तभी वो साधु बाबा वहाँ आ जाते हैं। बेईमान और ईर्ष्यालु लोगों को ये फसल दिखाई नहीं देगी, ये उन्हीं को दिखाई देती है जो दयालु और ईमानदार होते हैं। यहाँ खड़े रहकर बेवजह अपना समय खराब मत करो, अपने घरों को लौट जाओ, कभी भी दूसरे के काम में दखलअंदाजी मत करो, यही समझदारी है। इसलिए तुम भी अपना कार्य करो, वरना बहुत पछताओगे और यहाँ खाली हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। एक बात याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है, इसलिए सदैव अच्छे काम करो। साधु बाबा की बात सुनकर अनीता और मदन भी बाहर आ जाते हैं। वो उन दुकानदारों को देख चुके थे। दुकानदार शर्मिंदा होकर अपने घरों को लौट जाते हैं। साधु बाबा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साधु बाबा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईश्वर ने किया है। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें ईश्वर से प्राप्त हुआ है। अनीता और मदन साधु बाबा की खूब सेवा करते हैं। साधु बाबा अनीता के परिवार को अपना आशीर्वाद देकर यात्रा पर निकल जाते हैं, और अनीता और मदन ने जो योजनाएं बनाई थी उसे उन्होंने जादुई मैगी के व्यापार को शुरू करके पूरा किया। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहाँ आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे, आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी, लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद
मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी। पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया, पिंकी के बाबा ठीक तो हैं? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई, अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़ बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहां माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना, सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिस सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है।
मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहां से। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था, वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा, और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई, तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज है। पिंकी की बात एकदम सही थी, एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला, जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।